अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ हापुड़ व मुरादाबाद सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान के हालात है। बीते दिवस मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को टिकट देकर आज नामांकन के लिए कहा गया था, लेकिन एन वक्त पर उन्हें रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर घोषित भानु प्रताप सिंह को स्थानीय सपाई गले के नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। विरोध के बीच समाजवादी पार्टी मुखिया ने आज लखनऊ में सभी विधायकों, जिला व महानगर पदाधिकारी को बुलाया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रत्याशियों के फेरबदल को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में दावेदारों की खासी फेहरिस्त है और आपसी खींचतान भी। इस खींचतान का खामियाजा महापौर चुनाव में पार्टी उठा चुकी है। टिकट चाहने वालों में शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, अतुल प्रधान, योगेश वर्मा और जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी प्रमुख रूप से शामिल हैं। पार्टी के लिए गंभीर बात यह भी है कि शुरू के चारों नामों में आपसी खींचतान जबरदस्त है। महापौर चुनाव में अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए टिकट पा गए, लेकिन उन्हें अपनों ने ही संकट में डाले रखा। रोड शो के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शहर विधायक रफीक अंसारी के घर भी उन्हें मनाने के लिए गए, लेकिन इस बात को भी रफीक अंसारी ने कोई तवज्जो नहीं दी। नतीजा सामने रहा, सीमा प्रधान को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया महापौर बन गए, जबकि AIMIM के प्रत्याशी सीमा प्रधान से भी ज्यादा वोट पाने में सफल रहे। अब जबकि पार्टी ने इस खींचतान से सबक लेते हुए स्थानीय लोगों को दरकिनार कर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो इसके बाद से ही इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बगावत के हालात है। टिकट घोषित हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन सभी प्रमुख पदाधिकारी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी भानु प्रताप सिंह का टिकट कटने व उनकी लॉटरी खुलने की आस है। टिकट घोषित होने के बाद हालांकि टिकट चाहने वाले थोड़ा बहुत विरोध करते ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में यह विरोध काफी हद पार कर चुका है। सपा की ही प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी भाजपा ने भी इस सीट से फिल्मी कलाकार अरुण गोविल को टिकट देकर सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे स्थानीय नेताओं को महत्व नहीं दिया। यहाँ भी विरोध के हालात हैं, लेकिन भीतर खाने। अरुण गोविल जो कि मेरठ के होते हुए पार्टी नेतृत्व का पैराशूट लेकर इस सीट पर उतरे हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व में RSS सभी पदाधिकारियों को अपने सर्विलांस पर रखे हुए हैं। यही कारण है कि अरुण गोविल से सभी गले मिल रहे हैं, लेकिन अनबूझे मन से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।